हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप तो सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 बिहार बोर्ड क्लास 7 की मैथ से जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है 4.25 को 2 से डिवाइड करना है, मेनली क्या करना है इसमें, भाग करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया 4.25 को 2 से, तो इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 4.25 है, इसको डिवीज़न करना है 2 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ पर 2 है, ये पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है और ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 4.25 है, ये डिवीज़न आपका इन टू में चला जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा के हम लोग 100 कर देंगे। पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट बचेगा उतना ज़ीरो आपको रख देना है, यानी कि अगर एक डिजिट होता, एक अंक होता तो यहाँ पर 10 आता, दो डिजिट था इसलिए हमने 100 लिखा है। अगर तीन डिजिट होता तो 1000 लिखते, चार डिजिट होता तो 10000 लिखते, और अगर पाँच डिजिट होता तो हम लोग यहाँ पर 1 लाख लिखते। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा काम करेंगे, इस 2 से आप डायरेक्ट काट भी सकते हो इसको। ठीक है, इस 2 से इसको काट सकते हो या फिर आप इसमें 5 से भाग लगा सकते हो। सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग सिंपली इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल बेसिक डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से हम लोग भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाने पर ये हो जाएगा 21 × 42, 2 × 4 यानी कि 212.5 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में कितना है, 100 है, तो बराबर कितना हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपको एक ट्रिक ये करना है कि यहाँ पर आप देखिए 100 है, 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट हमारा जो होगा अगर हम भाग करेंगे तो पॉइंट हमारा इस दो डिजिट के बाद चला जाएगा, यानी कि बाईं तरफ दो अंक खिसक जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 212.5, और ये चूँकि 2 ज़ीरो से भाग लगा रहे ना 100 से, तो ये जो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एक दो डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि 2.125 हो जाएगा, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 0.25 को 0.5 से भाग करना है। ठीक है, तो देखिए 0.25 दिया गया है, इसको भाग लगाना है 0.5 से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली 0.5। देखिए इसको हटाइएगा तो 10 यानी कि 10 आ जाएगा, और इसको हटाइएगा यहाँ से पॉइंट, तो इसमें नीचे की तरफ 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। अब कितना बचा, 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 5, लिख दीजिए 10 है यानी कि पॉइंट देकर यहाँ पर 0 कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 17.5 को 3.5 से भाग करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए 17.5 है, इसको डिवाइड करना है 3.5 से, तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, 17.5 लिखिए, ठीक है, और डिवाइड बाय 3.5, तो ये 3.5 है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ऊपर में गुना हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे में भी 10 आ जाएगा, तो 10-10 कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते थे कि यहाँ पर एक अंक के पहले पॉइंट और यहाँ भी एक अंक के पहले पॉइंट, तो आप उसको डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया। अब इधर 35 है, इधर 175 है, जब आप डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 35 × 5 = 175 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 5। यहाँ पर जो हमारा चौथा, पाँचवा और छठा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा पॉइंट को इधर उधर कर दिया। देखिए 1.75 है, इसको डिवाइड करना है 3.5 से, सॉरी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1.75 इंटू, ठीक है, 1/3.5, इसको हटाएंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 35 × 5 = 175 हो जाएगा, 5/10 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। और कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए 0.175 है, इसमें डिवाइड लगाना है 3.5 से, तो 0.175 इंटू 1/3.5, इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर में, और इसको हटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 35 से 35 × 5 = 175 हो गया, 5/100 आ गया, तो यानी कि 0.05 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो। यहाँ पर 0.175 को 35 से करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 0.175 इसको डिवाइड करना है 35 से, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 175/1000 × 1/35,
तो 35 से 5 हो गया, ठीक है। अब 5 बाई 1000 है तो 0.005 ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उसमें क्या है कि 2.75 को 0.5 से गुना डिवाइड करना है। तो 2.75 डिवीज़न, और डिवीज़न का साइन हो गया 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.75 इंटू 1/0.5 हो जाएगा, इसको मैंने रट दिया। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो ज़ीरो है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब इस ज़ीरो से इस ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 से लगाइएगा तो 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 25, और 5 से 25 यानी कि 55 आ गया, 55/10, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पर दोनों में दे दिया है, ठीक है, पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 0.175 डिवाइड बाई 0.35 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.175 इनटू, और ये 0.35 है, इसको हम लोग क्या करेंगे उलट देंगे, तो 1/0.35 हो गया। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो दो ज़ीरो ऊपर में आएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1, 2, 3 ज़ीरो आएगा। अब इस दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गया, अब बचा हमारा 35 इधर, 35 × 5 = 175, 5/10 आ गया, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल तरीका क्या है कि 400.23 है, इसको डिवाइड करना है 10 से। तो आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो आपको इतने प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, इसका आंसर लिख दो ना 4023, और ये जो पॉइंट है ना, एक यहाँ पर 10 है, एक ज़ीरो है ना, तो पॉइंट हमारा यहाँ चला आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 होता तो पॉइंट हमारा और इधर चला आता, ठीक है, यानी कि बाईं तरफ आपको पॉइंट को सरका देना है, जितना ज़ीरो यहाँ पर होगा उतना अंक आपको पॉइंट सरका देना है बाईं तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पर उसी प्रॉब्लम को दे दिया लेकिन यहाँ 100 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आप 40023 है, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो कितना हो जाएगा 40023 लिख दीजिएगा, और चूंकि यहाँ पर 100 में दो ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर 1, 2 यानी कि 4.0023 आ जाएगा। देखिए पॉइंट एक अंक इधर चलाया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 1000 से करना है, तो 40.23 है, इसको डिवाइड करना है कितना से, 1000 से। तो हमें पता है कि जहाँ पर पॉइंट हमारा होगा उससे हम लोग को बाईं तरफ पॉइंट सरका देना है, कितना पॉइंट सरकाना है, तो जितना ज़ीरो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ज़ीरो है, तो 4023 लिख दीजिए यहाँ पर, पॉइंट इसको कहाँ लेके जाना है, तो 1, 2, 3 डिजिट बाईं तरफ खिसका देना है, तो यहाँ पर तो हमारा 2 डिजिट है, तो 1 ज़ीरो और पुट कर देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, अब यहाँ पॉइंट देकर 0 कर देंगे, ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 35 है, इसको डिवाइड करना है 0.2 से, तो हम लोग क्या करेंगे 35 इसको इंटू करके 1/0.2 कर देंगे, ठीक है। डिवाइड का चिन्ह था, उसको हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू का चिन्ह दे दिया। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 1 ज़ीरो यहाँ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब ये कितना बचेगा, 35 × 5 कितना हो गया, 35 × 5 आपका हो गया 175, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका पहला क्वेश्चन का 1 से लेकर 12 था वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।